जिसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस में बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था। और फिर इसे लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में इन वर्गों के हितों में यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी पूरे देश में SC व ST की तरह आरक्षण की सुविधा मिले। और इस संबंध में